Good morning, third class. How are you? I hope you all are fine and safe at home. So it's time to start your English grammar class. Page number 60, chapter number 3, singular and plural. So आज का टॉपिक बेटा सिंगुलर एंड प्लूरल का है. लेट्स रीड. When a noun indicates one object, person, thing, place or animal, we say it is singular. जब बेटा कोई noun हमें ये बताता है कि ये सिंगल चीज़ है या फिर कोई सिंगल इंसान है, सिंगल प्लेस है या फिर कोई एक ही एनिमल है, तो हम उसे सिंगुलर कहते हैं. बेटा जो सिंगुलर है बेटा, वो एक सिंगल चीज़ के लिए स्टैंड होता है, यानी कि उसका मतलब है एक ही चीज़, एक ही इंसान, एक ही जगह और एक ही एनिमल. ओके, सो व्हाट इज़ प्लूरल? व्हेन मोर देन वन आर शोन और इंडिकेटेड, वी से इट इज़ प्लूरल. जब बेटा नाउन जो है हमें टू नाउन्स हों या नाउन हो या फिर टू से ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो जो है प्लूरल बन जाता है, तो उसे हम प्लूरल कहते हैं. ठीक है, सिंगुलर है बेटा एक चीज़ के लिए, प्लूरल है एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए. ओके, सो लुक एट एक्सरसाइज ए. ए एक्सरसाइज है, देखो बेटा. तो यहाँ पर जो है आपको जो है लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम फॉर्म ऑफ ईच. तो आपको जो है इसके जो है प्लूरल्स लिखने हैं. ठीक है, जैसे काइट का काइट्स हो जाएगा, बैग का बैग्स हो जाएगा, ट्री का ट्रीज हो जाएगा, बुक का बुक्स हो जाएगा और बोर्ड का बोर्ड्स हो जाएगा. ओके, यानी कि एस लगेगा इनके साथ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. ठीक है, वी चेंज सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स बाय एडिंग एस टू द वर्ड. वैसे तो बेटा जो है नाउन जो होता है, जब हम उसे सिंगुलर से प्लूरल करते हैं तब हम उसके बाद जो है हम एस ऐड कर देते हैं. एस ऐड करने के बाद उस नाउन के, उस वर्ड के बाद, तो वो प्लूरल में बन जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय का जैसे बॉयज़ बन गया, गर्ल का गर्ल्स बन गया, स्टार का स्टार्स बन गया. ओके, वर्ड्स दैट्स एंड थिन लेटर्स एक्स सी एच एस एस एच डबल एस और ओ वी एड ई एस टू द नाउन मेक इट प्लूरल. तो क्या है बेटा, ऐसे वर्ड्स, ठीक है, जो जिनका लास्ट लेटर जो है एक्स हो या फिर सी एच हो या डबल एस हो या एस एच हो या फिर ओ हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे उनके साथ उस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए बेटा, वहाँ पर हम सिर्फ एस ही नहीं, वहाँ पर हम ई एस ऐड करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल बॉक्स का जैसे बी ओ एक्स बॉक्स है, तो इसको हम प्लूरल करने के लिए सिर्फ एस ही नहीं ऐड करेंगे, तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, ई एस होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट लेटर है वो क्या है बेटा, एक्स है. बेंच का बेटा बेंचेस बन जाएगा, ब्रश का ब्रशेस बन जाएगा, क्लास का क्लासेस एंड हीरो का हीरोज. ओके, नेक्स्ट, इन नाउन्स एंडिंग इन एफ ई और एफ वी चेंज द लेटर एफ ई और एफ टू वी ई एस टू मेक द प्लूरल नाउन. तो क्या है बेटा, वो तो था लास्ट में जो एक्स वाला, ठीक है, तो वहाँ पर हम ई एस ऐड करते थे. अगर कहते हैं अगर नाउन का जो एंड है अगर उसके लास्ट में एफ ई हो या फिर एफ हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ ई और एफ को हम कट करके वहाँ पर हम क्या ऐड कर देंगे, वी ई एस अगर हम वहाँ पर ऐड कर देंगे, जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल वाइफ, अब देखो डब्ल्यू आई एफ ई है, एफ ई जो है, ठीक है, अगर हम एफ ई को कट करके अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे बेटा, वी ई एस. ओके, तो क्या बन जाएगा, वाइफ्स. लाइफ, देखो यहाँ पर फिर से एफ ई है, तो क्या बन जाएगा, लाइव्स. लिप्स, ठीक है. नेक्स्ट है बेटा नाइफ, नाइफ में भी एफ ई है, तो इसको कट करके वी ई एस ऐड कर देंगे. वॉल्फ, वॉल्फ का देखो इसके लास्ट में एफ है,
तो यहाँ पर डब्ल्यू ओ एल तक सेम लिखेंगे एंड वी ई एस हम इसमें ऐड कर देंगे, वॉल्स. ओके. इन नाउन्स एंडिंग इन वाई द लेटर वाई इज चेंज्ड टू आई ई एस टू मेक द नाउन्स प्लूरल, बट इफ देयर इज अ वोवल बिफोर वाई यू जस्ट एड एस फ्रॉम द प्लूरल. सो क्या है बेटा, यहाँ पर कहा गया है कि अगर नाउन के एंड में जो है, अगर नाउन जो है आपका वाई से एंड होता है, उसका लास्ट लेटर वाई है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई को कट करके हम आई ई एस लगा देंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल बेबी का बेबीज बन जाएगा, फ्लाई का फ्लाइज बन जाएगा. बट इसमें भी एक और कंडीशन है, अगर वाई से पहले जो हमारा नाउन है बेटा, वाई से पहले अगर वोवल दिया गया है तो वहाँ पर हम वाई को कट करके आई ई एस नहीं ऐड करेंगे, वहाँ पर जो है हम सिर्फ एस ही ऐड करेंगे. फॉर एग्जांपल टॉय का टॉयज, कीज़ का कीज़. अब यहाँ पर देखो टॉय वाई लगा हुआ है ना, टी ओ वाई टॉय, तो अब वाई से पहले जस्ट क्या लगा हुआ है बेटा, ओ है, वोवल लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर टॉय का टॉयस कर देंगे, हम सिंपली यहाँ पर एस ऐड कर देंगे. ओके. कीज़ का जो है कीज बन जाएगा. ओके. नेक्स्ट वन इज देयर आर सम प्लूरल विच आर डिफरेंट द वोवल्स इन वर्ड आर चेंज टू मेक अ प्लूरल नाउन. तो कहते हैं कुछ प्लूरल्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, उनके जो बीच के जो वोवल्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ वो ही चेंज होते हैं, उनके बाद ना तो एस लगता है, उनके लास्ट में ना तो ई एस, ना ही वी ई एस ऐड होता है, ना ही आई ई एस. तो इसमें क्या है, हम जो इसके वोवल्स होते हैं हम जो है सिर्फ वही चेंज कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल तुत, तुत है, यहाँ पर डबल ओ है, ठीक है, वो जो है वोवल्स हैं, तो हम वोवल्स को डबल ई में जो है वोवल्स में ही चेंज हो जाएगा. ठीक है. तुत का तीत बन जाएगा, फुट का फीट, मैन का मैन. मैन का बेटा कभी भी प्लूरल मैन्स नहीं होता, मैन का मैन होता है, वूमैन का वूमैन होता है, माउस का माइस. इसी तरीके से पोस्टमैन का भी पोस्टमैन हो जाएगा. ओके. तो नेक्स्ट है बेटा, नोट दीज टू वर्ड्स. ऑक्स का बेटा, ऑक्स के साथ जो है इसके एंड को, अगर इसको जो है जब हम प्लूरल में करना चाहेंगे तो ऑक्स का ई एन ऐड कर देंगे, ऑक्सन बन जाएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन बन जाएगा. ओके. सो बेटा हमने एक्सरसाइज ए कर ली है इसकी, अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज बी. तो यहाँ पर देखो बेटा, आपको पिक्चर शो की गई है और यहाँ पर आपको टू वर्ड्स दिए गए हैं, यानी कि नाउन्स दिए गए हैं, तो आपने जो है पिक्चर को देखकर जो है सही वर्ड पे जो है आपने सर्कल करना है. ठीक है. अब यहाँ पर देखो पिक्चर में, यहाँ पर फुट है या फीट है, देखो बेटा अगर एक पैर है तो उसे हम फुट बोलेंगे, अगर दो पैर हैं तो उसे हम फीट कहेंगे. अब क्या है बेटा, यहाँ पर फुट है या फीट? यस बेटा, यहाँ पर जो है फुट है. अब हम फुट को सर्कल करेंगे, एफ डबल ओ टी, फुट को हम सर्कल करेंगे. नंबर टू देखो बेटा, बेबी. ठीक है. देखो यहाँ पर कितने बेबी दिए हुए हैं, वन है या टू है? तो यहाँ पर बेटा टू है, तो ये जो है प्लूरल हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर क्या आएगा, बेबी आएगा या बेबीज? यहाँ पर बेटा बेबीज के ऊपर आप सर्कल करोगे. ओके. तो यहाँ पर देखो डिश आएगा या डिशेस, यहाँ पर वन है या टू, या फिर टू से ज़्यादा है? यहाँ पर सिर्फ वन ही है, तो हम डिश के ऊपर सर्कल करेंगे. नंबर फोर पर जो है लीव्स या फिर लीफ आएगा, यहाँ पर टू है तो यहाँ पर लीव्स आ जाएगा. वॉच, यहाँ पर हमारे पास वन ही है तो हम यहाँ वॉच पे सर्कल करेंगे. ठीक है. तो और यहाँ पर देखो बेटा माउस जो है, हमारे पास टू हैं यहाँ पर दिखाए गए पिक्चर में, तो हम यहाँ पर माउस का प्लूरल क्या होता है बेटा, माउसेस नहीं, माइस. माइस के ऊपर हम सर्कल कर देंगे. ओके. नेक्स्ट देखो बेटा एक्सरसाइज सी. ठीक है.
टिक द करेक्ट वर्ड इन द ईच लिस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें सिंगुलर्स दिए गए हैं, सिंगुलर और प्लूरल्स दिए गए हैं, तो हमें इसका जो है सही वर्ड जो है हमें उसके ऊपर टिक करना है. ठीक है, बेबी का क्या बन जाएगा बेटा प्लूरल? बेबीज, बी ए बी आई ई एस. ठीक है, बेबीज नहीं बनेगा, एस नहीं लगेगा इसके साथ, यहाँ पर आई ई एस ऐड होगा. ठीक है, वूमेन का, वूमेन का क्या बन जाएगा? वूमेन्स बन जाएगा बेटा, या फिर वूमेन? यस बेटा, यहाँ पर वूमेन बनेगा, यहाँ पर एस नहीं ऐड होगा. ओके, बश का बेटा बशेस बन जाएगा, ई एस लगेगा क्योंकि यहाँ पर एस एच है. माउस का बेटा माइस. ठीक है, फुट का बेटा फीट, एफ डबल ई टी फीट. नाइफ्स का, नाइफ्स का क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पर जो है नाइफ है, नाइफ का बेटा नाइफ्स हो जाएगा. ठीक है, वॉल्व का वॉल्व्स, वी ई एस ऐड होगा. ओके, नाउ लुक एट एक्सरसाइज डी. ठीक है, चेंज द प्लूरल इंटू सिंगुलर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्लू कलर से जो है आपको प्लूरल दिए गए हैं, आपको जो है इसको सिंगुलर करना है. हर फीट आर एचिंग, तो क्या आ जाएगा, फीट का क्या बन जाएगा? फुट बन जाएगा. ओके, सो बेटा ये था आपका टॉपिक सिंगुलर एंड प्लूरल का. इसके जो बाकी बचे हैं 2 और 3, ये आप अपने आप करोगे. ठीक है, डू इट योरसेल्फ. ठीक है, सो बेटा आज का आपका टॉपिक सिंगुलर प्लूरल का ख़त्म होता है. ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे.